सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने देश की सेवा में अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। उनकी मौत आज भी उतार चढ़ावों से गुजर रही है। एक ऐसा क्रांतिकारी और एक ऐसी शख्सियत क्या इस तरह के व्यवहार के लायक है कि आज उनकी मौत को भी एक खेल समझा जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से आए अजमेर सिंह और ओपी शर्मा जी, जो कि हमें सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। मैं हूं स्वाति मोघा और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम रूबरू। आइए उनसे बात करते हैं और सुभाष जी के विषय में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप लोगों का स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी। इससे पहले हम सुभाष जी के व्यक्तित्व पर थोड़ा रोशनी डालें, मैं आप दोनों के व्यक्तित्व के विषय में जानना चाहूंगी। सबसे पहले आप बताइए। क्योंकि हम रहने वाले तो देहरादून के ही, कॉलेज की तक हमने ग्रेजुएशन के एजुकेशन देहरादून में प्राप्त की जी। और उसके बाद हम एक परिवहन व्यवसाय के तौर पर मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में टैक्सी लाइन से जुड़ा जी। और टैक्सी लाइन में रहते हुए मैं सुभाष चंद्र बोस जी के आश्रम शालीमार आश्रम वगैरह मेरे 8-10 दफा इस सन 73 से लेकर 77 के बीच 8-10 दफा मेरा आना जाना हुआ राजपुर रोड पर जी। और उस पीरियड में क्या होता, कई बार स्वामी जी इधर उधर हमारे साथ जाते थे। हम उनके स्वामी के व्यक्तित्व से तो परिचित थे, परंतु सुभाष चंद्र बोस के रूप में उस वक्त परिचित नहीं थे। उनकी मृत्यु के वक्त हम उनसे परिचित हुए और हमने सब कुछ देखा। तब हम तो जो हमने उस वक्त देखा और अनुभव किया, हम उस अनुभव को आपके साथ बांटना चाहते हैं, देश की जनता के साथ बांटना चाहते हैं। और सबसे पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, जिससे हम देश की जनता के सामने अपनी बात रख सकें और कुछ प्रश्नों को उठा सकें जिनका जवाब हम सरकार से चाहते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें इतनी जानकारी देने की आप हमें कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं सर आपसे, आप सर ने बताया कि ये उनका आना जाना लगा रहता था वहां पे, एज अ संत उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। आपके विषय में जानना चाहूंगे कि आपका लिंकअप कैसे हुआ सुभाष जी के साथ। अप्रैल 1970 में देहरादून शहर में एक समाचार मिला एक परिचित व्यक्ति से कि सोलम वो राजपुर रोड पर जो आश्रम है पटियाला हाउस, उसमें स्वामी जी जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताए जाते हैं। तो उनकी मृत्यु हो गई है और उनका आज अंतिम संस्कार होना है, इसलिए दर्शन के लिए आप वहां पहुंचे। तो हम लोग गए दर्शन के लिए 1977 अप्रैल में जी। और वहां पर एंटर होते ही मिस्टर उत्तम चंद मेहलोत्रा और डॉक्टर रमणी रंजन दास दो व्यक्ति मिले। रमणी रंजन दास उनके सेक्रेटरी बताए गए और उत्तम चंद मेहलोत्रा का नाम हम पहले से उसमें न्यूज़पेपर में बुलंदशहर में पढ़ा था कि वो शोलमारी आश्रम उनसे मिलने गए थे और ये पहचानने के लिए गए थे कि साहब ये कौन है। और उन्होंने यही बात कही थी कि ये वही व्यक्ति है जो मेरे पास काबुल में 40 दिन या 45 जो जितने दिन ठहरे ये वही व्यक्ति है, जब दाढ़ी जो है काली थी और अब दाढ़ी थोड़ी सी सफेद है, इतना अंतर है लेकिन आदमी वही है। तो इस बारे में वो वहां गेट पर ही खड़े हुए ये बता रहे थे लोगों को कि मैं तो वहां शोलमारी आश्रम भी गया और यहां भी आता रहा और मैंने हमेशा यही कहा कि ये वही व्यक्ति है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, न गवर्नमेंट ने न किसी ने। अब वो रहे नहीं तो आप मैंने यहां तक कहा कि उनके फिंगरप्रिंट ले लिए जाए और अंडमान निकोबार जेल में रहे वहां से मिलान करा दिया जाए, तब भी मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। आप दोनों ही सुभाष जी से जुड़े रहे, उनके अंतिम समय में आप उनके साथ रहे, उनके व्यक्तित्व के विषय में कुछ बताइए, किस तरह का व्यक्तित्व था उनका? नहीं, जब हम मिले तब तो एक सन्यासी के व्यक्तित्व था, वो मौन रहते थे, बोलते तो थे नहीं। और जो सबसे अहम बात ये है जो मैंने नोट की, जिस वक्त हम लोग कार लेकर उनके पास जाते थे या कार में बैठते थे, उससे पहले जो उनके अटेंडेंट या सेवक थे वे आते थे कार की, उस जमाने में रैक्सीन की सीटें होती थी, छत भी रैक्सीन की, सीट भी रैक्सीन की, दरवाजे की डोर मेट्रेसेस भी रैक्सीन की। तो आधी पानी बाल्टी में नींबू लेकर आते थे, नींबू से मल मल कर वो उसको पूरे को साफ करते थे। हम उन्हें साधुओं का पाखंड समझते थे। उसके बाद उन्होंने पूरी सभी चादर से पूरी अम्बेडकर कार को अंदर से
चारों तरफ से ढक देना, डोर मैट्रेसेस भी, ड्राइविंग सीट का बैक पोर्शन भी और पिछली सीट का रियर पोर्शन, पूरी कार व्हाइट कपड़े से, पिछले रियर कंपार्टमेंट जो है ड्राइवर के पिछले वाला, उसको पूरे अच्छे ढंग से सभी चादर से कवर कर दिया जाता था। हम उसे साधुओं का पाखंड समझते थे, पर बाद में हमने जाना, क्योंकि मैं बोला कि मैं ऑलरेडी बीएससी कर रहा था तो डेथ के बाद में समझा, पहले तो हम पाखंड समझते थे, पर बाद में जाना कि ये सब फिंगरप्रिंट ना आए इसलिए ये एक कदम उठाया जाता था। तो जो व्यक्तित्व की बात है, तो साधु का एक शालीन व्यक्तित्व हमारे सामने था, बहुत सहज एकदम शांत, और वो शांत बोलते भी नहीं थे, बोलने से आवाज में ग्रेस या आवाज का पता लगता, पर ऐसा कुछ नहीं था, आवाज वो बोलते नहीं थे। सुभाष जी की मृत्यु के विषय में जो आजकल के पब्लिक या पॉलिटिशियंस वगैरह जो भी हैं वो ये जानते हैं कि 1945 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई थी, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो एक मिथ है जहां तक जो जानकारी नहीं, वो मिथ नहीं है, वो एक फॉल्स डिक्लेरेशन है, क्योंकि उसके बारे में जहां तक हमने पढ़ा और सुना, कई बार हमने इसको देखे इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, पर उसमें काफी स्टेटमेंट्स ये भी आते हैं कि उस दिन कोई प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हुआ था तो क्रैश कहां से हो जाता है। बिल्कुल, तो सबसे पहली चीज तो ये है, तो उन्होंने, आप लोग जब ये सुनते हैं, आजकल पॉलिटिकली ये डिक्लेयर किया जा चुका है कि 1945 में प्लेन क्रैश में उनका होता, तो उस मोमेंट पे क्या लगता है आपको कि दिस इज अनफेयर? अनफेयर भी, और हम सरकार सिर्फ हंसते हैं कि एक सरकार इस दिन, जब हम एक उड़ान का किसी भी फ्लाइट का पूरा डाटा आप लोगों के पास मौजूद होता है, तो फिर जब उस दिन एक रिकॉर्ड पर है ये चीज, तो जबकि फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं, तो डेथ कहां से होगी, तो उसके बारे में मैं कहां से बताऊं? अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है जस्टिस मुखर्जी ने, उन्होंने बताया है कि हाँ, इस तरीके से कोई प्लेन टेक ऑफ कोई हान नहीं। 1977 में जब उनकी डेथ हुई तो उस मोमेंट पे आप लोग उनके साथ थे या फिर कहीं और, आपको कैसे पता चला कि इस तरीके से? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति मैं ही हूं अदर देन पुलिस जो कि उस कोठी तक पहुंचा, या दूसरे शब्दों में यह कि मैं ही पुलिस को लेकर उस कोठी के अंदर पहुंचा था जहां सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई, या शालीमार आश्रम के स्वामी जी की, जिनके बारे में हम ये प्रमाणित करने हैं कि वही सुभाष चंद्र बोस जी। तो उसमें ऐसा है कि मैं मसूरी से देहरादून वाया राजपुर आ रहा था, तो राजपुर के एसओ उस समय मिस्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा थे, सुरेंद्र शर्मा कहते थे, वे वहां पर मुझे बस स्टॉप पर नीचे राजपुर में खड़े हुए मिले, साथ में दो कांस्टेबल्स थे, तो चूंकि मेरे से पुराने परिचित और अच्छे दोस्त थे मेरे, मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई कैसे खड़े यहां पर सड़क के ऊपर, ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? उन्होंने कहा कि अरे अजमेर भाई, अभी अभी वायरलेस मैसेज, गवर्नर साहब का एक मैसेज आया वायरलेस से, सुबह 9:45 का टाइम था कि अभी एक वायरलेस मैसेज प्राप्त हुआ है, तो मैं बड़ा हैरान हूं कि उन्होंने मैसेज आया है कि फलां कोठी के अंदर एस्कॉर्ट लगा दो, एक वीआईपी मेरे एरिया के अंदर डेथ हो गई है, मुझे ही मालूम नहीं कि वीआईपी कौन है, मैं ये देखने जा रहा हूं किस वीआईपी के लिए वहां से ये आदेश आया है। तो मैंने कहा बैठो, मैं उन्हें उस कोठी के अंदर लेकर गया, और जब मैं कोठी के अंदर जब हम पहुंचे तो कोठी के जो पटियाला हाउस के नाम से कोठी है 194 राजपुर रोड पर, उसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर टाइम में एक हट सी बनी हुई थी, तो उसके अंदर इनकी शरीर जो है बर्फ के अंदर सहेज कर रखा हुआ था दर्शनों के लिए, पब्लिक के लिए, उस वक्त तक शासन आदेश कुछ नहीं था। तो जैसे वहां पहुंचे तो हमने जैसे ही उनको देखा, स्वामी जी को हम देखते ही रह गए कि अरे हमारी आंखें इन्हें पहचान नहीं पाई। उसी के बाहर जो उनके अटेंडेंट्स थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का चश्मा और यूनिफॉर्म की फोटोग्राफ और उस वक्त की फोटोग्राफ्स और एक दो चीजें डेली इस्तेमाल की, रोजाना इस्तेमाल की वो चीजें वहां पर रखी हुई थी। जो चश्मा उनका खास सबसे बड़ा प्रमाण, सुभाष चंद्र बोस के चश्मे की एक अलग ही स्टाइल है, और एक फोटो वो जनरल वाला, हाँ जनरल फोटो, यूनिफॉर्म फोटो, वो चेहरे को जो है सिमिलरिटी दिखा रही थी दोनों फोटोग्राफ्स को, कि आप देखिए सामने की एक ही बंदे के दो फोटो, एक ही बंदा सामने। अच्छा, उसके बाद शासन आदेश ये आया कि 10 दिनों तक इस डेड बॉडी को देहरादून में पब्लिक के दर्शनों के लिए रखा जाए, यानी कि मृत्यु उपरांत उस जो संस्कार की सारी कार्रवाई जब तक होनी थी वो सारी शासन ने अपने हाथ में ले ली। पीएससी के 3 ट्रक संस्कार करने के लिए ऋषिकेश लेकर ले जाया गया, जो कि इनके आश्रम से करीबन 60 किलोमीटर दूर मायाकुंड ऋषिकेश ले जाया गया, और उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर 21 बंदूकों की सलामी देकर इनका संस्कार किया गया। हमारा सीधा सा प्रश्न यह है, एक संत को इस तरीके का ऑनर क्यों दिया गया? अगर एक संत को क्यों दिया गया, या क्या भारत सरकार की कोई प्रथा है कि संतों को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए? आज तक किसी गार्ड ऑफ ऑनर को संत मैंने नहीं देखा कि किसी को गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर तो सिर्फ आर्मी पर्सनल्स को या विशेष हस्तियों को जो डिग्निटीज कहलाई हैं उनको दिया जाता है, ना कि एक साधु